नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश के अंदर 646 डॉक्टरों की जान चली गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों में ये बात सामने आई है। IMA के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा 109 डॉक्टर्स की मौत हो गई है। दिल्ली के अलावा बिहार में 97, उत्तर प्रदेश में 79 और राजस्थान में 43 डॉक्टरों की मौत हो गई है। आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य महाराष्ट्र में संक्रमण की वजह से 23 डॉक्टरों की मौत हो गई है। कर्नाटक में 9 डॉक्टर्स की मौत हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 35, असम में 8, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 37, गोवा में 2, हरियाणा में 3, जम्मू कश्मीर में 3, झारखंड में 39, कर्नाटक में 9, केरल में 5, मध्य प्रदेश में 16 और महाराष्ट्र में 23 डॉक्टरों की जान चली गई है। बता दें कि इससे पहले कोरोना की पहली लहर में यानी कि पिछले साल देश के अंदर कोरोना की वजह से 748 डॉक्टर्स की जान चली गई थी। IMA ने हाल ही में अल्प अवधि के आंकड़े भी जारी किए थे, जिसमें 624 डॉक्टर्स की मौत का आंकड़ा सामने आया था। गौरतलब है कि देश में अब कोरोना का पीक धीरे धीरे कम हो रहा है। मई के महीने में 400,000 तक एक दिन में कोरोना के मरीज सामने आए थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 150,000 से नीचे चला गया है। अभी कोरोना का कहर दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अधिक देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर देश में 114,000 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।